बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था 1931 में यानी 1931 में 11 फरवरी 1933 को बॉम्बे विधानमंडल से 1977 में 1982 और 2010 में बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों मैं कुछ बोलूं उससे पहले योगी आदित्यनाथ के इस निंदनीय बयान को सुनिए। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में दोस्तों क्या योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ को 5 साल की सजा हो सकती है? दोस्तों हरिजन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने, क्यों और किस लिए किया था, उसका मकसद क्या था? दोस्तों हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर क्या बाबा साहब ने कभी कोई आपत्ति जताई थी? क्या हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई रोक लगाई है, किसी सजा का प्रावधान किया है? ये सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली थी, बहुत सारे दलितों ने भी दिवाली खूब धूमधाम से मनाई। खैर मनाना भी चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि इस बार बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय थे वो हिंदू त्योहारों को ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि सभी लोगों को मिलजुल कर एक दूसरे के धर्म के प्रति रेस्पेक्ट देते हुए सभी चीज़ों को मिलजुल कर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो देश में एक भाईचारा बना रहेगा, हम पड़ोसी दुश्मन देशों का शिकार भी नहीं होंगे और देश तरक्की भी करेगा। लेकिन ये दोगले नेता समाज को एक रहने दें तब ना। दोस्तों ये जो वीडियो योगी आदित्यनाथ का वायरल हो रहा है ये शायद दिवाली को लेकर ही है, क्योंकि इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दिवाली के दिन मैं अयोध्या के हरिजन बस्ती में गया और ये किया वो किया फलाना किया ढिकाना किया। मैंने पूरी हरिजन बस्ती में जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी। लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान देते हुए यह नहीं सोचा था अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना एक दंडनीय अपराध हो सकता है और इसके लिए इनकी राजनीतिक करियर भी दांव पर लग सकती है, इन्हें 5 साल की सजा भी हो सकती है। तो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि खासतौर पर हिंदू धर्म में दलितों को लेकर, उनकी जाति को लेकर हमेशा से उनके साथ एक अपमानजनक व्यवहार किया गया है, उनके साथ भेदभाव किया गया है, उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ मंदिर नहीं जा सकते, उनके साथ भोजन नहीं कर सकते, मतलब हमेशा से जो है कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए 2010 में सामाजिक न्यायालय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि दलितों के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। खैर यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना एक अपमानजनक एक आपराधिक है, यदि आपने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया तो आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। धारा 295 और 505 के तहत आपको 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा हो सकती है। खैर मैं बता दूं कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1931 में यानी 1931 में गांधी ने किया था। खैर गांधीवादियों का मानना था कि गांधी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हिंदू धर्म में जो दलितों को लेकर जो अस्पृश्यताएँ फैली है वो कम हो जाए, लेकिन असल में गांधी का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। गांधी चाहते थे कि अंबेडकर के आंदोलन को किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए, उनके आंदोलन में जो दलित भर भर कर जा रहे हैं कैसे उन आंदोलन से दलितों को अलग किया जाए, उन्हें तोड़कर पृथक किया जाए, इसीलिए गांधी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। खैर गांधी ने दलितों के लिए जो हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था उसके लिए बाबा साहब ने आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी गांधी ने नहीं मानी, बल्कि 11 फरवरी 1933 को गांधी ने यरवदा जेल से हरिजन अखबार जारी किया। खैर गांधी चाहते थे कि इस शब्द को जो है कि काफ़ी प्रसिद्ध बनाया जाए, लेकिन जब गांधी का यह व्यवहार और दलितों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हरिजन शब्द जब नहीं रुका, तब बाबा साहब ने हरिजन शब्द के विरोध में बॉम्बे विधानमंडल से बाहर चले आए। लेकिन फिर भी सामंतियों ने इस शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर दलितों का शोषण करते रहे। और मैं बता दूँ कि बाबा साहब के बाद यदि हरिजन शब्द का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो मायावती थी। दोस्तों मैं बता दूं कि 1977 में जब
इसी भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय जनता पार्टी थी, इसने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें मायावती को इनवाइट किया था और मायावती का परिचय बार बार जो है कि हरिजन कहकर करवाया जा रहा था। तब गुस्से में मायावती जी मंच पर खड़ी होकर कहा था कि यदि हम हरिजन हैं तो बाकी क्या शैतान के बच्चे हैं, क्योंकि हरिजन का मतलब होता है हरि का जन। लेकिन आज भी हमारे लोगों को मंदिर जाने पर पीटा जाता है, यानी जब हरि ही हमारे नहीं तो हम उनके जन कैसे हुए। इस पर कानून बनना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 1982 में उस वक्त की केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब नहीं माने तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल एक अपमानजनक और एक आपराधिक है, इस पर रोक लगनी चाहिए। यदि आपने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया तो आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो बयानबाजी किया है, तो क्या योगी जी का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है? क्या उन्हें 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा हो सकती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, क्या वास्तव में हरिजन शब्द पर रोक लगनी चाहिए या नहीं।